स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोविंदो होम्स पर। दोस्तों हम सबकी एक ख्वाहिश होती है कि समय रहते हमारा एक घर बन जाए, और वो समा जब हमारा घर बनता है वो सबसे हसीन समा होता है हमारी ज़िंदगी का। दोस्तों ऐसा ही घर आज आप देखने वाले हैं जो कि 2 साइड ओपन रहेगा, 139 गज के अंदर आपको मिलने वाला है, 4 बेडरूम रहेगा, डबल पार्किंग के साथ रहेगा, और तकरीबन 2,200 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पर आपको कवर्ड मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या फिर आप रेंटल पर्पज से देख रहे हैं तो दोनों ही इरादों से आपका घर जो है बिल्कुल पूरा मुकम्मल रहेगा। दोस्तों यहाँ से हमारा साइड प्रोफाइल घर की शुरू हो जाती है। तो दोस्तों साइड में जो है आपके पास 2 पार्किंग रहेंगी और साइड प्रोफाइल पूरी की पूरी खिड़कियाँ रहेंगी, और प्लस आपको जो है पूरा का पूरा टाइल्स के साथ कवर मिलेगा, और साइड में एक आपको खिड़की जो कि आपके फ्रंट की तरफ जाती है। और लोकेशन जो है घर के आसपास जितने भी लोकेशन हैं पूरी कवर हो चुकी हैं, घर सारे बन चुके हैं, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आपको पूरा घर यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी मेहनत इसकी साइड पे भी की गई है और उतनी ही मेहनत इसके फ्रंट पे भी की गई है। तो दोस्तों बालकनी आपकी साइड से होते बिल्कुल फ्रंट पर आती है, पूरी की पूरी फ्रंट आपका कवर करती है, तो एक रनिंग बालकनी काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर मिल जाती है। और बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो टाइल वर्क यहाँ पर बिल्कुल अलग डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल यूनिक लुक्स आपको पूरी मिलती हैं घर की यहाँ पर। तो बम एरिया भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पर, और इसके अलावा जो हमारे पिलर्स हैं वो भी आपको टाइल्स के साथ कवर्ड मिलेंगे। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। गेट्स जो हमारे रहेंगे आयरन के रहेंगे, बीच में आपको वुडन क्लैडिंग के साथ डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो जितनी भी चीज़ें होंगी सारी मैचिंग रहेंगी। और पार्किंग एरिया हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा आ जाएगा, इजीली आपकी गाड़ी जो यहाँ पर भी लग जाएगी, 2 गाड़ियाँ पीछे तो आपके पास तकरीबन 3 गाड़ियों की पार्किंग अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि टाइल्स के साथ ऊपर तक कवर किया गया, अच्छे लुक्स है यहाँ पर। खिड़की आपको फ्रेम के साथ मिलने वाली है, और ठीक इस तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको जो है पूरा गार्डन एरिया, ग्रीन एरिया जो कि एल शेप में पीछे की तरफ जा रहा है, और रेलिंग आपको जो है यहाँ पर आयरन की मिलती है, और लुक्स हर तरीके से आपको घर की शानदार यहाँ पर मिलने वाली है। आप देखेंगे 3 स्ट्रिप्स हैं जो कि अलग लुक्स देती हैं यहाँ पर टाइल्स के साथ, बिल्कुल सेम कलर की टाइल लगाई होती तो भी अलग था, लेकिन स्ट्रिप्स देने के साथ एक अच्छी लुक यहाँ पर बन जाती है। और ये आपका गेट जहाँ से हम इजीली अपनी 2 गाड़ियों को अंदर यहाँ पर ला सकते हैं, अगर हमारे पास 2 हैचबैक है तो आराम से यहाँ पर लग सकती हैं। और साइड पे आपको खिड़कियाँ मिल जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि लाइट है या वेंटिलेशन है वो पूरे घर में हर तरह से काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। और जो आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में भी जो आपको बालकनी है वो पूरी मिलती है, और इस साइड पर भी आपको जो है एक गेट मिलता है अंदर आने के लिए। तो ये खासियत होती है जब हम कॉर्नर एरिया लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो बम एरिया वो अच्छा मिल जाता है, तो ग्रीनरी या प्लांटेशन हम करना चाहते हैं तो आराम से काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो फ़ायदे काफ़ी होते हैं हमारे पास इन चीज़ों के। बड़ी सी खिड़की तो वाकई काफ़ी अच्छा साइज़ है, अंदर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि काफ़ी बड़ी खिड़की हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों पार्किंग एरिया आपका ग्रेनाइट का रहेगा, और साइड पर आपका बिल्कुल पूरा का पूरा टाइल्स आपको मिलने वाली हैं, अलग ही लुक्स आपको टाइल्स की मिलेंगी, यहाँ नॉर्मल टाइल्स नहीं रहेंगी। और नीचे छोटी सी स्टोरेज आपके स्टेयर्स के नीचे, स्टेयर्स आपके बाहर से हैं ताकि आप ऊपर रेंट आउट करना चाहें या फिर जॉइंट फैमिली है तो वो आराम से रह सके। तो दोस्तों मेन डोर आपका वायर मैश का रहेगा, और प्लस आपको ग्लास वर्क मिलने वाला है। तो ओपन करते हैं, बिल्कुल पॉलिश के साथ आपको गेट मिलने वाला है, और इसके साथ जो हमारा अगेन मेन डोर आता है तो ये आपका जो रहेगा पूरा वुडन रहेगा, और देखेंगे आपकी ग्लॉसी शाइन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी शाइन है पॉलिश की। तो ओपन करते हैं, और जैसे हम अंदर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा खासा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। प्रॉपर अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो बिल्कुल 22 फीट की लेंथ रहेगी, और जो विड्थ रहेगी वो आपकी 12 फीट की रहेगी। तो कॉर्नर घर के अंदर इतना साइज़ होना तो वाकई एक अलग चीज़ होती है। और सीलिंग की तरफ आप देखेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कहीं अलग है। तो काफ़ी चीज़ें आपको इस घर के अंदर ऐसी जाए जो नॉर्मल से बिल्कुल अलग मिलने वाली हैं। एक बड़ी शानदार सी खिड़की, तो उसके साथ हमारा जो है फ्लोरिंग पूरी की पूरी टाइल्स की से मिलने वाली है। ये वाकई लाजवाब है, बिल्कुल अलग चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये आपकी शानदार खिड़की का एक अच्छा साइज़ है, बिल्कुल 8 फीट की हाइट है, और काफ़ी अच्छा साइज़ है, पूरी ऑलमोस्ट वॉल कवर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर सोफ़ा सेट लगाते हैं तो हमारे ड्राइंग एरिया के अंदर जब हमारे गेस्ट बैठते हैं तो लुक्स या फिर बाहर का व्यू जो आता है उस वक्त तो बिल्कुल अलग ही आता है। और दोस्तों यहाँ पर छोटी सी पार्टीशन डिज़ाइन के लिए, और ठीक इसके सामने आपका जो है टीवी पैनल एक बड़ा से साइज़ का, और ये टीवी पैनल हमने बिल्कुल आपके डाइनिंग एरिया के अंदर लगाया ताकि अगर आप इजीली 6 सीटर आप लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। और यह आपकी जो है साइड पर आपका डोर,
जहाँ से अगर आप साइड से भी अपने घर के अंदर एंट्रेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये खास चीज़ें होती हैं जो हर जगह नहीं मिलती, बहुत रेयर होती हैं ये चीज़ें मिलने वाली, और बड़ी अच्छी लुक्स के साथ आए। देखेंगे बिल्कुल पैनल को पूरा वुड के साथ ऊपर तक ले गए हैं, और इस वुड को देखे कवर करते हुए बिल्कुल आपके मेन एंट्रेंस डोर तक आ जाती है। बिल्कुल स्ट्रिप्स हैं ये आपकी लगाई गई हैं पॉलिश करके, और चाहते तो इसको ना लगाते तो भी काम चल सकता था, लेकिन जब हमें आपको एक अलग लुक्स देनी है घर की तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि आपको सालों के बाद भी लगे कि हमारा घर जो था ना उस वक्त भी हमने डिज़ाइनर घर लिया था। तो चीज़ होनी भी चाहिए अपने घर के अंदर। और ठीक, यहाँ पर हमारी किचन काफ़ी अच्छी स्पेस और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको एंट्रेंस पे ही मिल जाएगा। सेमी कवर्ड आपको किचन यहाँ पर मिलती है, और जो स्पेस आपको मिल जाती है यहाँ पर 10x8 की आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है इस घर के अंदर, इस साइज़ के अंदर। एल शेप के अंदर किचन मिलेगी, ड्यूल टोन के अंदर आपको मिलने वाली है, ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर जो सामने की तरफ टाइल है वो भी वाइट है आपको मिलती है, और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है, ताकि आपके जितने जार्स हैं आराम से अंदर आ सकें। तो स्पेस इतनी है कि अगर जितने भी आपकी स्टोरेज है वो अंदर ही रहेगी, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खिड़की के साथ बिल्कुल नीचे आपके जो है डबल सिंक, और ठीक यहाँ पर आपके पास जो है स्टेनलेस स्टील के जो रैक्स आपको मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छे स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाएगी स्टॉप क्लोजर के साथ, ताकि आप जितना भी सामान हो यहाँ पर रख सके। एक अच्छी किचन है इस साइज़ के अंदर, अगर आप इतना कुछ रख सकते हैं, इतना सब स्टोरेज आपको मिल जाती है, एक अच्छी किचन को कह सकते हैं हम आराम से। और डबल लेमिनेशन रहेगी अंदर बाहर दोनों तरफ, इसके जो है सनमाइका के साथ कवर्ड रहेगा, स्पेस अच्छी है। ठीक सामने की तरफ आप अपना जो है फ्रिज रख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये आ गया कि आपकी जो स्पेस है वो हर तरह से पूरी और एक अच्छी तरीके से आपको मिल जाती है। ठीक यहाँ पर हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ 14 फीट का बेडरूम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 14x12 के दोनों बेडरूम्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इस 14 फीट के अंदर आपको जो है 2 फीट की अलमीरा के बाद आपके पास 12x12 की जो स्पेस है वो पूरी की पूरी बिल्कुल आप ही की है। एक अच्छे डिज़ाइन के साथ सीलिंग की हाइट तक आपको जो है वार्डरोब पूरी मिलने वाली, इसका मतलब ये भी है कि स्टोरेज हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप नीचे देखेंगे तो बूट्स भी आपको मिलेंगे, ताकि आप मॉबिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए, नीचे से जितनी भी डस्ट है वो सारी बाहर खींच के आ सकती है। और ठीक सामने आपका टीवी पैनल, और यहाँ भी आपके पास खिड़की, तो वेंटिलेशन और लाइट तो हमने आप देख ही लिया कि चारों तरफ से आपके पास घर के अंदर पूरी है और काफ़ी अच्छी रहेगी। और ठीक यहाँ पर हमारा वॉशरूम, जहाँ पर सीलिंग की हाइट तक आपके टाइल्स रहेंगे, और सीलिंग पर बेहद शानदार डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा खासा वॉशरूम हमें मिल जाएगा। दोस्तों सैनिटरी फिटिंग्स जो अभी लगनी बाकी हैं, तो जैसे ही आप इसको बुकिंग कर लेते हैं तो हम उसी वक्त आपको ब्रांडेड जो है सारी लगा के देंगे। और जितने भी आप दरवाजे देखेंगे सारे के सारे 8 फीट के हाइट के रहेंगे, सारे पॉलिश रहेंगे, चाहे वो इंटरनल हो या आउटर डोर जितने भी हों, तो चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी मिलने वाली हैं। देखिए लुक्स किसी भी चीज़ में कमी नहीं होगी यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ अच्छी दे दी तो आगे जो चलने वाला काम है वही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। और सेकंड बेडरूम, यहाँ पर भी आपके सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है, काफ़ी हैवी सीलिंग आप देख सकते हैं नीचे तक आ जाती है यहाँ पर, तो लुक्स जो है बिल्कुल बेडरूम्स की दोनों की बिल्कुल अलग हो जाती है यहाँ पर जैसे ही आपकी चीज़ें आती हैं। साइज़ यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल अनोखा साइज़ हमें नज़र आता है, 14 फीट का अगेन हमें बेडरूम मिलेगा यहाँ पर, और सीलिंग की हाइट तक वार्डरोब्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगेन जो वार्डरोब्स आपको पूरी मिलती हैं यहाँ पर विद ड्रेसिंग एरिया आपको पूरा मिलेगा स्टोरेज के साथ। और ठीक आपके बेड के बैक पर आपको एक अच्छा सा वॉलपेपर मिल जाता है, ताकि जो बेड की लुक्स है या आपके बेडरूम की लुक्स है वो बिल्कुल थोड़ी सी अलग ही रहे हर जगह से। तो इन्हीं का मतलब होता है कि एक शानदार घर की बात यहाँ से शुरू होती है, जब आपके पास इतनी चीज़ें हों देखने में, और रहने के बाद हमें खुद को खुशी हो कि हाँ हमारे घर के अंदर इतना कुछ हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक बेड के सामने आपका टीवी पैनल, और यहाँ भी देखेंगे स्ट्रिप्स के साथ एक अलग डिज़ाइन यहाँ पर पैटर्न आपको मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खर्चा करवाती हैं, लेकिन हाँ अच्छी भी लगती हैं सालों साल, क्योंकि हमारे सामने होती है, हमारे अपने घर के अंदर है, तो थोड़ा बहुत खर्चा अगर ज़्यादा होता भी है तो कोई जायज़ सी बात है। और जैसे हम अपना पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पर आपके पास बैकयार्ड एरिया, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस है, इसलिए आपकी जो फ्रंट लोडिंग मशीन है वो आप रख सकते हैं, और प्लस ओपन एरिया आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए, और इसी जगह पर आप अपने एसीज़ को फिट कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये चीज़ वाकई बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो हमारे पास स्टेयर्स आएंगी, जो उन्हें बाहर से देखेगी, जो कि हमारी ग्रेनाइट की रहेंगी, और स्टेनलेस स्टील की आपकी रेलिंग यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं बताना आपका भूल गया, आपके बेडरूम के साथ वॉशरूम भी था अटैच, तो वो बाकी कोई बात नहीं, ऊपर चल के देखते वहाँ पर भी हम नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे घर का फ्रंट, जो कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स के साथ आपको सारा यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे स्टेयर्स के ऊपर हो या फिर आपकी बालकोनी के ऊपर
ठीक इस तरफ जहाँ पर आपका टफन लगा हुआ है, तो लुक्स आपके चारों तरफ से काफ़ी अच्छी शानदार यहाँ पर मिलने वाली है। सीलिंग पर यहाँ भी आपको डिज़ाइन पूरा मिलेगा और खिड़कियाँ हमारे पास यहाँ पर भी जो है पूरे फ्रेम के साथ मिलेगी और बिल्कुल 8 फीट की हाइट की मिलने वाली है। आप ये बालकनी आप देखेंगे तो बिल्कुल रनिंग बालकनी है, आप पूरी बालकनी के अंदर सुबह शाम चक्कर लगा सकते हैं। तो अपनी बालकनी के अंदर ऐसे घूमे ना तो बहुत मज़ा अलग ही होता है। कॉर्नर घर है हमारा, यहाँ से वहाँ तक घूम रहे हैं, दूर तक नज़र जाती है, सारी की सारी जो स्ट्रीट है वो पूरी नज़र आती है। तो इसका मतलब ये भी है कि नज़र की इस सीमा से नज़र की उस सीमा तक सब कुछ हमारी नज़रों के सामने ही है। तो दोस्तों वाकई काफ़ी अच्छा व्यू होता है जब आप अपनी बालकनी में खड़े होते हैं यहाँ पर। तो वापस बढ़ते हैं आप अंदर की तरफ अपने घर के। और दोस्तों यहाँ भी जो हमारे पास रहने वाला है हमारा वायर मैच डोर विद ग्लास फिनिश के साथ हमें मिलने वाला, प्लस आपका डोर फ्रेम जो है साइड पे भी सारा का सारा टाइल वर्क आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और दोस्तों बता दूँ जो लोकेशन हमारी है सेक्टर 125 मोहाली सनी इनक्लेव के नाम से भी ये जानी जाती है। अगेन सेम लोकेशन है जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पर डालते हैं, एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली लोकेशन में से कह सकता हूँ। बाकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है या क्वालिटी है जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और एक अच्छे रेट्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और लोकेशन एक इस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर 5 हॉस्पिटल्स आपको रनिंग मिल जाते हैं इसी सेक्टर के अंदर, 3 इंटरनेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं, और यहाँ से जो आरटी पार्क मोहाली है वो सिर्फ आपका 5 किलोमीटर का है। चंडीगढ़ जो है आपका सिटी आपकी वो 5 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। और जब हम दिल्ली से मनाली की तरफ जा रहे होते हैं तो अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से होके जाते हैं तो आपकी लोकेशन बीच में आती है, और जम्मू से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं तो आपकी बीच में आती है। तो एक ऐसी लोकेशन जहां हर कोई चीज़ आपको मिल जाती है बिल्कुल आपके सेक्टर के सामने, आपका पंजाब का सबसे बड़ा मॉल जिसे वीआर पंजाब मॉल बोलते हैं वो आपको यहां पर मिल जाता है। एक ऐसी लोकेशन जो कि ऑलमोस्ट डेवलप है, वाकई एक शानदार लोकेशन हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल एयरपोर्ट रोड जो मोहाली चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वहां से जो रोड निकल रही है वो आपके बिल्कुल घर से अराउंड 500 मीटर या 700 मीटर के डिस्टेंस पे आपके घर से निकल रही है यहां पर। तो एक अच्छा एरिया आपको मिल जाता है। इस एरिया का अगर फ्यूचर की बात करें तो वाकई बड़ा शानदार एरिया हम इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने नीचे देखा था वैसे ही सेम डिज़ाइन हमें ऊपर मिलता है, बस कलर्स के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे वो ड्राइंग एरिया हो, डाइनिंग एरिया हो, और या फिर आपका जो है किचन हो, तो स्पेस आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगी और सेम डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं। और बस हम जब बेडरूम्स के अंदर आते हैं तो आपको सीलिंग डिज़ाइन आपको डिफरेंट मिलेंगे, या फिर आपका जो है अंदर थीम आपको जो मिलने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलने वाली है, लेकिन जो साइजेस रहेंगे आपके रूम्स के या फिर किसी भी चीज़ के वो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाले हैं हर जगह पर यहाँ पर आपके। तो अगेन हमारे पास जो यहाँ पर वार्डरोब्स होंगे वो सीलिंग की हाइट तक रहेंगे, एक अच्छे पैटर्न के साथ सेम पैटर्न में डिज़ाइन में आपका जो है सामने टीवी पैनल मिल जाएगा। लाइट्स के लिए आपके पास खिड़कियाँ आपको प्रॉपर मिलने वाली हैं यहाँ पर, और ठीक सामने जो है आपका वॉशरूम वो अगेन आपको सेम यहाँ पर मिलने वाला है। और वॉशरूम में देखेंगे हर वॉशरूम में आपकी जो टाइल्स वो सीलिंग की हाइट तक है, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ वॉल हैंगिंग सीट्स यहाँ पर लगने वाली हैं। जब लग जाएंगे उसके बाद जब आप देखेंगे तो बिल्कुल लुक्स इसकी और भी ज़्यादा शानदार यहाँ पर नज़र आने वाली हैं आपको। और ठीक यहाँ पर हमारा 4th बेडरूम हमारे घर का, एक अच्छा लाइट वर्क और एक अच्छा सीलिंग वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है पूरे रूम्स के अंदर। 14-14 फुट के रूम्स हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस कह सकते हैं हम, आराम से आप बेड लगाएं और जैसी मूवमेंट आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। तो घर का मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ सामान नहीं रखना, वहाँ पर घूमना फिरना भी हो, अंदर यहीं इस रूम से उस रूम के अंदर जा रहे हैं तो कोई चीज़ हमें परेशान ना करे। और अगर आप ये लगा लीजिए कि हमारी जॉइंट फैमिली है तो आपको गाड़ियाँ खड़े करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 फैमिलीज यहाँ पर बड़े आराम से रह सकती हैं। और इनकेस अगर आप ऊपर टेनेंट को रखना चाहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पर अच्छा खासा रेंट आपको मिल जाता है अराउंड 15,000 के आसपास जो है, 12-15,000 के आसपास आपको रेंट जो है यहाँ पर मिल जाता है, और आईटी वाले यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं, अच्छी फैमिलीज मिल जाती हैं यहाँ पर, तो उनकी भी पार्किंग अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यूजली जो इंडिपेंडेंट हाउसेज के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि पार्किंग की स्पेस नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी मिलती है, तो किसी भी तरह से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगेन आपके वॉशरूम का डिज़ाइन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ये सेम डिज़ाइन हमारा नीचे था जो हमने मिस कर दिया। ठीक इस बेडरूम के साथ हमें एक डोर मिल जाता है जहाँ से हम बाहर की तरफ जा सकते हैं, और हमारी बालकनी जो कि बैक पीछे है हमें वो मिल जाती है इजीली, यहाँ पर भी आपको टैप्स वगैरह सब मिल जाएंगे ताकि आप वॉशिंग क्लोथिंग यहाँ पर भी कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 4 BHK डबल स्टोरी हाउस, 4 बेडरूम 2 हॉल 2 किचन के साथ, और स्टेयर्स हमने आपको सीलिंग की हाइट तक दी है ताकि अगर आपने ऊपर भी अगर कभी कंस्ट्रक्शन करनी है या अपनी रूफ़ का मज़ा लेना तो ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर आपको जो है वाटर टैंक्स जो है यहाँ पर डबल मिल जाएंगे,
और यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरेज आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 4 BHK 139 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको मिल जाता है। अराउंड 2200 स्क्वायर फीट आपका यहाँ कवर एरिया आपको मिल जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।